हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरेन और रशिया सीरीज़ के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूँ सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ में से एक माना जाता है। बाय द वे, मैंने यूरोप कहा, इन केस यू डिडंट नो, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों ही यूरोप का पार्ट है एंड ये बाकी यूरोपियन सिटीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो आप रशिया आके हमेशा कह सकते हो कि ओ, मैं तो यूरोप घूम कर आया एंड वो भी बजट में। किसी भी शहर को अगर आपको सही तरीके से एक्सप्लोर करना है तो वहाँ के वॉकिंग टूर्स लेने चाहिए एंड मैं भी उन्हीं में से एक फ्री वॉकिंग टूर में जाने वाला हूँ। हालांकि ये फ्री तो नहीं होते क्योंकि इसके एंड में आपको एक टिप देनी होती है। फ्री वॉकिंग टूर्स बाकी टूर्स से बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके टूर गाइड्स आपको इम्प्रेस करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिप मिल पाए। सो मेरा सबसे पहला स्पॉट है सेवियर ऑन द स्पिल ब्लड चर्च। अब इस चर्च या कैथीड्रल का नाम इतना अटपटा इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर द सेकेंड की मौत यहाँ पर ही हुई थी एंड इंटरेस्टिंगली उसे 7 बार मारने की कोशिश की थी एंड 6 बार अनसक्सेसफुल हुए थे लोग एंड 7वीं बार इसी कनाल में उसकी मौत हुई थी एंड उसकी मेमोरी में अलेक्जेंडर द थर्ड यानी उसके बेटे ने ये चर्च बनवाया था। और अब मैं और एक चर्च के सामने आ गया हूँ। ये एक प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था एंड सोवियत रूल के टाइम पे रिलीजन एंकरेज नहीं किया जाता था, इसलिए इस चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया था एक स्विमिंग पूल में। सिर्फ ये चर्च ही नहीं बल्कि दूसरे चर्चेस को भी कम्युनिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अब मैं आ गया हूँ कज़ान कैथीड्रल। ये ऑब्वियसली डेडिकेटेड है लेडी ऑफ कज़ान को। ये भी एक ऑर्थोडॉक्स या प्रोटेस्टेंट चर्च हुआ करता था बट सोवियत रूल के टाइम पे इंटरेस्टिंगली ये चर्च फिर भी एक्टिव था। कहते हैं कि यहाँ पे कैंडल जलाने से सबकी विशेस पूरी हो जाती है। सो आई एम गोइंग टू गो इनसाइड, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली अंदर, सो आई एम गोइंग टू मीट यू ऑन द अदर साइड। और अब मैं खड़ा हूँ द वर्ल्ड फेमस हर्मिटेज के सामने। ये सेंट पीटर्सबर्ग की पहचान है। ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स है कि अगर एक बंदा एक मिनट के लिए हर एक पेंटिंग या आर्टिफैक्ट देखेगा तो कम से कम 11 साल इस म्यूज़ियम के अंदर बिताएगा। दैट्स हाउ बिग इट इज़। आज यहाँ पे मैराथन रेस हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है हर्मिटेज और उसके आसपास के एरिया में, बट इतनी अच्छी वाइब है यहाँ पे, सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस वक्त। और अब मैं आ गया हूँ द फेमस आइजैक कैथीड्रल में। इस कैथीड्रल को बनने में 40 साल लगे थे और वो इसलिए क्योंकि इसके आर्किटेक्ट को किसी फॉर्चून टेलर या ज्योतिषी ने कहा था कि जैसे ही ये कैथीड्रल बन जाएगा वैसे ही इस आर्किटेक्ट की डेथ हो जाएगी एंड गेस व्हाट, कैथीड्रल बनने के ठीक एक महीने बाद उस आर्किटेक्ट की डेथ हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग में आप बहुत सारे कलरफुल बिल्डिंग्स देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे समर सिर्फ 2 महीनों के लिए होता है, 2 से 3 महीनों के लिए होता है एंड विंटर्स में यहाँ पे लोकल्स के लिए ये कलरफुल बिल्डिंग्स ही इनका सहारा होता है। Yeah.
हेलो अगेन. सो आपने जो अभी देखा वो एक कॉन्सर्ट था, क्योंकि यहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए यहाँ पे कुछ ना तो कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती है लोकल्स के लिए, एंड आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. कुछ फ्री होती है एंड कुछ बहुत ही कम रूबल्स में आपको मिल जाएगी. एंड अब मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग की शुरुआत हुई थी. सेंट पीटर्सबर्ग बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में एक न्यू सिटी है. दिस वाज फाउंडेड बाय पीटर द ग्रेट इन 1703 एंड इसी आइलैंड पे सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे छोटे आइलैंड से ही इस शहर की शुरुआत हुई थी. और जो मेरे पीछे आप ये चर्च देख रहे हैं वो इस शहर का सबसे पुराना चर्च है. इस चर्च के ऊपर एक एंजल लगा हुआ है जो कि इस सिटी के लिए बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है. एंड एक बार ये एंजल गिर गया था. एंजल गिरने से ही सब लोग बहुत डर गए थे, पर एक आदमी ने ऊपर चढ़कर उसे फिर से लगा दिया था. एंड इससे खुश होकर रानी ने उसे 5000 रूबल्स दिए थे. नाउ आई नो आज 5000 रूबल्स थोड़े कम साउंड करते, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. एंड उस आदमी ने 5000 रूबल का क्या किया होगा, उसने पूरे के पूरे 5000 रूबल्स दारू में स्पेंड कर दिए. एंड उसके बाद वो लिवर सिरोसिस से मर गया. सो अनफॉर्चुनेट. इस फोर्ट्रेस से हर रोज़ कैनन की आवाज़ आती है दोपहर को 12 बजे, एंड उससे लोकल्स को पता चल जाता है कि दोपहर के 12 बज गए हैं. पीटर और पॉल फोर्ट्रेस से 2 मिनट की वॉक पर ही है सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्क. ये अर्ली 19th सेंचुरी में बना था एंड तब ये यूरोप के सबसे बिगेस्ट मॉस्क में से एक हुआ करता था. मैं बैठा हूँ यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी नेवा नदी के पास में. कुछ देर पहले हम वहाँ पे थे उस आइलैंड में, और अब हम इस पार आ गए हैं. जो आइलैंड्स वहाँ पर हैं वो मेन लोकल्स के लिए हैं, एंड जो इस तरफ आइलैंड्स हैं सारे वो हम जैसे टूरिस्ट के लिए हैं. एंड बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वो शराबी वाली जो स्टोरी थी उसमें एक और एडिशन मैं डालना चाहूँगा. यहाँ पे रशिया में ये वाली एक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ही अब कॉमन हो चुका है. एंड इसका मतलब होता है लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक, या तू पीकर आया है क्या. तो ये उसी टाइम से ये चल के आ रहा है कि हम ऐसे करते हैं जब भी अपने नेक पे, तो इसका मतलब ड्रिंक्स पे जाना है, या तू पीकर आया है या पिया हुआ है तू, इस तरह का उसका मतलब होता है. और थोड़ा और चल के मैं आ गया हूँ समर पार्क में. आई थिंक रशिया को गार्डन से बहुत ज़्यादा प्यार है. मॉस्को में भी मैंने इतने ज़्यादा गार्डन्स देखे थे, एंड सेंट पीटर्सबर्ग में भी इतने ज़्यादा गार्डन्स हैं. मैंने सोचा कि मैं स्किप कर लूँ, बट इतने ज़्यादा है कि स्किप कोई कर ही नहीं सकता है. हर जगह पर है यहाँ पर गार्डन्स. ऑब्वियसली मॉस्को के गार्डन्स की तरह ये वाला गार्डन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है. इस गार्डन के अंदर ही छोटे छोटे म्यूजियम्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स सब कुछ हैं. एंड ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भूलभुलैया में आ गया हूँ, क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं अंदर अंदर से ही कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से एंटर करना है और कहाँ से एग्जिट करना है. में हमने बहुत सारे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन देखे हैं, एंड सेंट पीटर्सबर्ग में अब हम देखने वाले हैं रशिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन. ये
ये अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, एंड इसे पूरा ख़त्म करने में कम से कम 4.25 मिनट लगते हैं नीचे से ऊपर आने में या ऊपर से नीचे आने में। एंड अगर मैं ऊपर देखता रहूँ कॉन्स्टेंटली तो मुझे ऐसा चक्कर जैसा आ रहा है। फाइनली अब जाके ख़त्म हुआ है, इतना ज़्यादा लंबा था, ऊपर देखने से सबको चक्कर तो आने ही वाला है। और उस डीप मेट्रो स्टेशन के बाद अब मैं आ गया हूँ द स्मॉलनी कैथीड्रल। ओके, आई डोंट थिंक ये हवा रुकने वाली है, मैं बहुत टाइम से रुका था कि हवा रुकी और मैं बात करूँ। सो एनी वे, स्लोवेनी चर्च भी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था एंड अर्ली 19th सेंचुरी में सोवियत लोगों ने इसे लूट लिया था एंड इसे अबैंडन कर लिया था, फिर इसे एक कॉन्सर्ट हॉल में कन्वर्ट कर दिया गया एंड अब रिसेंटली इसे इसका स्टेटस वापस मिला है एंड ये अब वापस से एक चर्च है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी ख़त्म हुआ। मुझे आप लोगों को और बहुत कुछ बताना है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, ये आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस करना होगा यहाँ आकर। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा इतना सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द, तब तक के लिए आप भी कुछ अपने लिए प्लान करें, कहीं घूमने फिरने जाएँ।